है वो बताओ मुझे। नो ओके यस नो ओके ओके रिद्धि और भी बच्चे, बाकी और भी बच्चे यहाँ पे रिप्लाई कर सकते हैं। नो इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट न्यूक्लियोफाइल, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है उसके ऊपर हम डिस्कस करें। नाउ इन दिस व्हाट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब देखो अभी तक तो तुम्हारे को देखो IUPAC भी कुछ कंपाउंड्स के पता होगा, कॉमन नेम भी पता होगा। अब जैसे यहाँ पे चलो मैं 10th में आ जाता हूँ, थोड़ा सा मेरे पास ये सबस्ट्रेट है एंड हियर अगेन प्लस रिएजेंट, ये रिएजेंट है ठीक है ना। अब ये अब फाइनली यहाँ पे रिएक्शन होता है, रिएजेंट मिक्स होता है सबस्ट्रेट के साथ, मैं एग्जांपल दूंगा डोंट वरी, और यहाँ पे हमारे को फाइनली प्रोडक्ट मिलता है। अभी तक तुमने 10th में देखा होगा ए प्लस बी को मिलाने के बाद तुम्हारे को ही मिलता है राइट। ए प्लस बी को मिक्स करेंगे तो फाइनली वी विल गेट व्हाट सी, सी इज योर व्हाट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये जो है सबस्ट्रेट और रिएजेंट, तुमने रिएक्टेंट सुना होगा, रिएक्टेंट ठीक है। अब ये रिएक्टेंट से ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अभी तक तुमने ये देखा होगा लेफ्ट राइट लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, फिर बीच में ये एरो होता है हेड और टेल, फिर उसके बाद फाइनली प्रोडक्ट मिलता है। बट उस रिएक्टेंट में ए और बी जो चलता है तो वो जो ए होता है वो होता है सबस्ट्रेट और बी जो होता है वो होता है रिएजेंट ठीक है। अब जो ये सबस्ट्रेट है इसमें ये रिएजेंट, जैसे कि मान लो कोई एक हीरो बनना चाहता है राइट, अब हीरो बनने के लिए भी क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए चलो मुझे बता सकते हो, अगर हीरो बनना है राइट या हीरोइन बनना है जो भी है, हीरो या हीरोइन जो भी है, उसके लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए बता सकते हो मुझे, क्या दिखना कैसा क्या मतलब लुक वाइज क्या होना चाहिए। मैं ज्यादा बोलूंगा तो आंसर मिलेगा तुम्हारे को, चलो चैट पे यहाँ पे डालो। एक नॉर्मल इंसान को हीरो बनना है या हीरोइन बनना है तो उसको क्या करना पड़ेगा एक्टिंग स्किल ओके स्मार्ट लुकिंग गुड वेरी गुड एक्टिंग स्किल ठीक है स्मार्ट लुकिंग, और भी कुछ बताओ मुझे जल्दी जल्दी। स्मार्ट लुक होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, अरे वाह अंजलि एंड रिद्धि के पहले भी दो बच्चों ने दिया है वेरी गुड आंसर्स, और भी टैलेंट स्मार्ट लुक एक्सपीरियंस एक्टिंग स्किल और कुछ नहीं और ऐसा कुछ ओके वर्क हार्ड ओ माय गॉड अच्छा वर्क हार्ड ओके योर सी जो भी है वो तो है चलो ठीक है बिहेवियर ओ माय गॉड बिहेवियर ठीक है ओके चलो ये तो बहुत भाई नेचर वाली बातें कर दी है तुमने नेचर राइट ओके और भी कुछ बता सकते हो मुझे जो मुझे चाहिए पॉइंट्स। मान लो वो इंसान एकदम नॉर्मल है उसको एकदम से हीरो उसको गेटअप भी पूरा चेंज कर देना तो उसमें क्या करेंगे कि वो पूरा चेंज हो जाए। जैसे अभी तुमने आंसर तो दिया काफी बट और भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर दो इसमें ताकि मैं हैप्पी हो जाऊं। हाइट ओ प्रांजल क्या बात है हाइट और कुछ और भी कुछ चलो हाइट हो गया लुक हो गया स्मार्ट लुकिंग हो गया टैलेंट हो गया एक्टिंग स्किल हो गया नॉलेज ऑफ ओ माय गॉड अब बस अब मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया ओके ठीक है चलो ये सब क्वालिटी होना बहुत जरूरी है ओके
जैसे कि देखो, एक नॉर्मल इंसान है, अगर उसको एकदम लुक वाइज अच्छा होना है तो उसमें क्या होना चाहिए कि हाइट भी अच्छी होनी चाहिए उसकी, उसको अच्छा से अच्छा कपड़े अगर वो पहनेगा, राइट, अच्छी तरह से अपना लुक बदल के रखेगा तो वो एकदम हीरो बन जाएगा, राइट। तो बात यह है कि उसको जो बदलने वाला है, ये नॉर्मल है, सबस्ट्रेट समझ लो, एक नॉर्मल इंसान है, और इसको बदलने वाला जो है वो है रिएजेंट है, उसको बदलने वाला वो है कौन, रिएजेंट, ठीक है। मान लो रिएजेंट में हाइट, हाइट मतलब हाइट तो रहेगा ही, ठीक है ना, लुक वाइज उसके क्लॉथ चेंज हो सकते हैं, स्टाइलिस्ट बनना पड़ेगा उसको, यस और नो, अच्छा लुक के लिए उसको, है ना, समझ जाओ, अच्छे लुक के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, चेंज होने के लिए। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, ये रिएजेंट इस सबस्ट्रेट में ऐड करेंगे तो ऐसा ही केमिकल रिएक्शन जब होता है तो ये रिएजेंट मिलता है सबस्ट्रेट से, और सबस्ट्रेट पूरी तरह से चेंज होके एक अलग कुछ नया चीज तैयार हो जाता है, ये होता है केमिकल रिएक्शन, राइट, ये होता है केमिकल रिएक्शन। अब मैं पूछूं, केमिकल बोले तो केमिकल रिएक्शन बोले तो केमिस्ट्री है भाई, राइट। एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, मतलब ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्मिंग, आर कॉल्ड व्हाट, केमिस्ट्री। अब ये प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है इसमें भी एक दो पॉसिबिलिटी होती है, बट मैं उसको नहीं डिस्कस करूंगा, खाली यहाँ पे मैं एक टीएस लिख के दे दूंगा, ट्रांजिशन स्टेट, और एक यहाँ पे मैं इंटरमीडिएट लिख के दे देता हूँ, ये दो चीजों से गुजरता है जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। पर अभी ये मैं अगर डिस्कस करूंगा तो ये चीज नहीं समझेगा, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट। सीधा सीधा रिएक्टेंट में जो सबस्ट्रेट होता है उसमें उस सबस्ट्रेट को चेंज करने वाला होता है रिएजेंट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं वाटर में सोडियम क्लोराइड ले लेता हूँ, वाटर लिया, वाटर में सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया, अब सोडियम क्लोराइड वाटर में क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, और प्रोडक्ट में देखोगे तो वो वाटर वो नॉर्मल वाटर नहीं रहेगा, वो सॉल्टी वाटर हो जाएगा, वहां पे रिएक्शन हुआ, कुछ तो हुआ, उसको चेंज कर दिया, जो नॉर्मल वाटर था उसमें वो सॉल्ट जाके उसको पूरी तरह से चेंज करके सॉल्टी वाटर में कन्वर्ट कर, बट उसी की जगह पे यहाँ पे मैं वापस से वाटर लेता हूँ और उस वाटर में मैं इस बार सैंड पार्टिकल्स या रॉक्स पीसेस उसके अंदर ऐड करूंगा, तो तुम देखोगे सैंड पार्टिकल या रॉक्स उसके अंदर डिजोल्व नहीं होगा, नो चेंज, वैसे ही रहेगा, नो चेंजेस, नो रिएक्शन, बोले तो नेचर, जैसा भी तुमने बिहेवियर की बात की है, लुक की बात की है, राइट, बहुत सारी चीजें आ गई इसके अंदर, तो वो नेचर भाई, वो केमिकल, जैसे सोडियम क्लोराइड था वो भी तो सॉलिड था, वो रॉक्स, वो जो सैंड मटेरियल था वो भी तो रॉक, वो भी तो सॉलिड मटेरियल था, बट सोडियम क्लोराइड सॉलिड होते हुए भी वो वाटर में डिजोल्व हो गया, बट वो सैंड पार्टिकल्स रॉक्स डिजोल्व नहीं हुआ, मतलब उनके बीच में रिएक्शन नहीं हुआ। मतलब ऐसा है कि कोई चीज मिलाया, उसमें मिलने के बाद वो कुछ एक नया चीज दे रहा है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, केमिस्ट्री। तो ये रिएक्टेंट से क्या फॉर्म हुआ, प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट में हमेशा याद रखना, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट इज ट्रीटेड विथ रिएजेंट एंड रिएजेंट इज ट्रीटेड विथ सबस्ट्रेट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, और ये सबस्ट्रेट पूरी तरह से बदल के कुछ अलग बन जाता है, जैसे कि मैंने अभी सॉल्टी वाटर की बात की। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिएजेंट, व्हाट इज रिएजेंट। चलो अब मुझे क्वेश्चन वापस से तुम्हारे से करना है, जो भी आंसर्स करोगे चैट में डालोगे, ठीक है ना, मैं जो दिखेगा यहाँ पे। अब बात यह है कि हमारे इस नॉर्मल लाइफ में, मतलब जैसे अभी देखो, तुम्हारे को पता है आज हम लॉकडाउन में रह रहे हैं, घर में रहना पड़ रहा है, अभी वो थोड़े थोड़े बाहर लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ, बता सकते हो क्यों हम घर में हैं, क्यों हम लेक्चर में, हमारा फर्स्ट डे कॉलेज का लेक्चर, हम अभी तक एडमिशन हो जाना चाहिए था, हम कॉलेज में जाने चाहिए थे बट नहीं जा पा रहे, क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, आंसर दो ना, क्या कर रहे हो, तुम्हारे को अच्छी तरह से पता है, कोरोना। देखो कशिश, यस वेरी गुड, कोरोना भाई, कोरोना के वजह से ही तो है, फियर ऑफ कोरोना वायरस, यस ओके। दानिश, यस बच्चा, वेरी गुड, कोरोना, देखो सी से कोरोना भी है और अभी केमिस्ट्री भी सी से चलने जा रहा है ओके। थोड़ी देर में मैं सी से केमिकल भी लाया था अभी थोड़ी देर पहले, केमिकल
और कंपाउंड जो फॉर्म होता है कन्वर्जन सी से कंपाउंड, राइट। अभी सी से थोड़ा देर टाइम के बाद कुछ और भी लाऊंगा, डोंट वरी। तो सी से केमिस्ट्री हो गया, तो ये कोरोना, राइट। अब इसमें देखो, तुमने यहाँ पे अगर कोरोना में अगर देखा होगा, न्यूज देखा होगा, पता नहीं न्यूज देखा है नहीं देखा होगा, अब इसमें काफी लोगों को प्रॉब्लम भी हुआ है। अब मुझे बता सकते हो हमारे इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो कितने टाइप के लोग होते हैं? मैं मनी रिलेटेड की बात कर रहा हूँ, मनी से रिलेटेड कितने टाइप के लोग होते हैं? थ्री टाइप्स, यस। अब थ्री टाइप्स में कोई बता सकता है? रिच, पुअर एंड मिडिल क्लास। वेरी गुड आयुष, ये आंसर है भाई, तुमने थ्री डाल दिया, राइट। देखो आयुष ने काफी अच्छा आंसर दिया, रिच पुअर एंड व्हाट, मिडिल क्लास। अब मुझे बताओ ये कोरोना प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा तकलीफ में, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में कौन है भाई? पुअर, यस साहिल, क्या बात है, पुअर पर्सन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में, राइट। क्योंकि उसको तो काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेली काम वर्क करेगा तभी तो उसके घर पे चूल्हा जलेगा, खाना बनेगा, वो खाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा। मिडिल क्लास तो थोड़े दिन चलो ओके चला भी लेगा, बट ज्यादा दिन नहीं, उसको भी काम पे जाना पड़ेगा। बट सबसे ज्यादा जो जो सबसे ज्यादा जो रिच पर्सन है वो आराम से वो एक साल क्या दो साल भी पिकनिक मना सकता है घर पे बैठे बैठे। तो खैर ये तीन टाइप की बात है, और यहाँ पे भी रिएजेंट्स में भी ऐसे तीन चीजें मिलेंगे। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अब देखो, अब मुझे बता सकते हो तुम अभी लेक्चर में बैठे हो, क्यों बैठे हो? जस्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्यों लेक्चर में बैठे हो, क्यों पढ़ाई कर रहे हो, क्या होगा स्टडी करके? लेक्चर में बैठे हो स्टडी के लिए, ठीक है, स्टडी करके क्या होगा, क्यों क्यों साहिल, आगे की बात बताओ मुझे, क्या होगा? ब्राइट फ्यूचर, वेरी गुड साहिल, ब्राइट फ्यूचर। ब्राइट फ्यूचर कब बनता है? जब तुम्हारे पास, गुड जॉब, ओके, एंड मार्क्स, ओके मार्क्स तो ठीक है भाई, अच्छी बात है। यहाँ पे माइक प्लीज ऑफ कर दो, जो भी है प्लीज। साक्षी, साक्षी देखो माइक वहां पे म्यूट करो बच्चा, ओके। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, अब मैंने बोला कि यहाँ पे स्टडी करके तुम आगे ब्राइट फ्यूचर, जैसे साहिल ने आंसर दिया, ब्राइट फ्यूचर तब बनेगा जब अच्छा जॉब या अच्छा बिजनेस, राइट, या अच्छा पोस्टिंग पे, जैसे कि डॉक्टर, मेडिकल, इंजीनियरिंग, भाई साइंस में आया हो तो ये तो ड्रीम होगा, पायलट, राइट। तो बहुत सारी चीजें, बड़े बड़े बहुत सारी चीजें भाई, बहुत सारी चीजें लोग सोच के रखते हैं। अब ये होता कैसे है? स्टडी करने से, यस, स्टडी करने से। अब हमारा मेन मोटो बोले तो भाई सब कुछ तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब चीजें किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, बता सकते हो मुझे ये सब चीजें किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या होना चाहिए कि बहुत अच्छी लाइफ, ब्राइट फ्यूचर रहे, मजा आए तुम्हारे को लाइफ जीने में भी, और ये कोरोना के प्रॉब्लम में भी देखो सबसे ज्यादा जो मजे कर रहे हैं कौन कर रहे हैं? क्या क्या होना चाहिए? ये डालो ना, सीधा बात है, पता चल रहा है तुम लोग आंसर नहीं डालना चाहते हो, जल्दी जल्दी जल्दी। हे भगवान, नॉट स्टडी बाबा, नॉट स्टडी, मैंने तो बोला स्टडी करके आगे जब जाओगे ब्राइट फ्यूचर के लिए, यस, ये अंधा पैसा, ओह माय गॉड, मनी, ओके, देखो पॉइंट पे आ गए, मनी चाहिए भाई, मनी, एवरीथिंग इज, बोले तो मनी है आज के डेट में भैया, ये बात याद रखना, मनी है तो सब कुछ है, अदरवाइज कुछ नहीं है भाई। ये प्रॉब्लम में भी सबसे ज्यादा देखो आज अच्छा हैप्पी लाइफ जी रहे हैं वो मनी, जिसके पास मनी है, अपना सपना, मनी मनी, पढ़ाई इसलिए हो रही है भाई, आगे अच्छा ब्राइट फ्यूचर तभी होगा जब तुम्हारे पास अच्छे
मनी, अच्छे इनकम ऑफ सोर्सेज होंगे, राइट। अब बात यह है, हम भागते हैं मनी के पीछे, हम इंसान जो है ना मनी के पीछे, सीधी बात है, फैक्ट है, हर एक इंसान चाहता है कि भाई मैं पैसे कमाऊं। क्यों कमाऊं? अच्छी लाइफ जी, अच्छा कुछ करें। अब किसी के पास कम होता है मनी तो वो चाहता है ना कि और भी मेरे पास ज्यादा से ज्यादा आ जाए, चाहेगा ना। अगर किसी के पास कम होगा वो, उसकी भी इच्छा होगी भाई मैं भी कार में घूमूं, मैं भी बंगलों में रहूं, मैं भी यहाँ वहां जाऊं, ये खाऊं, ये रेस्टोरेंट में बैठूं। वो चाहेगा कि मैं भी ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करके मैं अपने ड्रीम को पूरा करूं। वो ज्यादा उसके पीछे भागेगा। और जो पैसे वाला है वो तो सोचेगा यार भाई मेरे पास बहुत है, आते ही जा रहा है उसके पास, आते जा रहा, तो इसका इतना टेंशन नहीं। खैर, तो बात यहाँ पे यह है, ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। फाइल मीन्स व्हाट बोले तो देखो यहाँ पे लिखा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, फाइल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल फाइल का मतलब होता है लविंग, और लविंग ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस सीकिंग, मतलब ये बोले तो न्यूक्लियस लविंग होता है। जैसे कि तुम्हारे को पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द व्हाट न्यूक्लियस घूमता है, राइट। तो न्यूक्लियस में तुम देखोगे उसको, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, तो उसके आजू बाजू तो घूमते ही रहते हैं। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन लवर होता है, ये इलेक्ट्रॉन लवर होता है, चाहता है कि इसके पास ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट स्पीसी होता है, डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल इज अ व्हाट? न्यूक्लियस व्हाट? टेकिंग, चाहत, उसको चाहत है, राइट। और सेकेंड, यहाँ पे मैं सेकेंड पॉइंट ऐड करूं, इलेक्ट्रोफाइल बोले तो डेफिशिएंट स्पीसी, और न्यूक्लियोफाइल इज अ व्हाट? रिच ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन, बोले तो रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना, ये हमेशा याद रखना, ये चार्ज कैरी करता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। जैसे मैं ई के ऊपर प्लस चार्ज रख दूं, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, लाइक दिस। एन यू से मैं देखो इसको डिनोट कर रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एन यू माइनस, दो डॉट है, एन यू का मतलब न्यूक्लियोफाइल, और ई का मतलब है, ई के ऊपर प्लस चार्ज, इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल। अब ये प्लस, अब देखो यहाँ पे ये सर्टिफिकेट है इसके पास, ये प्लस का मतलब है गरीब, और ये माइनस का मतलब है रिच। देखो यहाँ पे दिखा हुआ, देखो भाई तुम्हारे को पता है रिच पर्सन रहेगा वो देखते पता चल जाता है, और जो गरीब होगा बेचारा वो भी देखते हुए पता चल जाएगा, सीधी बात है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की पहचान जो होती है उस पर प्लस चार्ज, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा वो होगा रिच, ये बात याद रखना। अब बोलोगे सर जिस पर चार्ज नहीं होगा तो वो न्यूट्रल होगा, वो क्या होगा? न्यूट्रल। जो चार्जलेस होगा वो न्यूट्रल होगा, बात खत्म। तो यहाँ पे देखो बच्चा, मैं वापस से रिपीट करना चाहूंगा, इलेक्ट्रोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन लवर, तुमने अगर स्टार्टिंग में देखो टेंथ में भी किया है, डॉट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस डॉट, उस इलेक्ट्रॉन को ही लुईस की डिस्कवरी थी, उसके नाम से जाना जाता है। तो लुईस एसिड भी कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल। हमें अभी तक इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बात कर रहे, और ये इलेक्ट्रोफाइल, अब देखो ये गरीब है, ये प्लस है बेचारा, तो ये कहां पे जाना चाहेगा, किसके पास अट्रैक्ट होगा ताकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल सके। देखो अभी जैसे अभी ये कोरोना प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा गरीबों को जो मदद किया वो हीरो बता सकते हो? मुझे पता है, सभी को पता है, वो हीरो का नाम बता सकते हो? इस इतने बड़े प्रॉब्लम में अभी भी वो हेल्प कर रहा है लोगों को, सोनू सूद। यस, देखा कितना नॉलेज है तुम लोगों के पास, काफी। यस, पता है सोनू सूद ने, राइट, काफी लोगों को मदद किया, यहाँ से वहां पे माइग्रेट भी कराया लोगों को, अभी भी हेल्प कर रहा है, ये वो जो रिक्वायरमेंट है, वो असली हीरो है।
अब यहाँ पे सोनू सूद, आप बोलोगे सर आपने ये एग्जांपल क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया क्योंकि सोनू सूद यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल जैसा हो रहा है रोल, और उससे जो मदद लेने वाले हैं वो इलेक्ट्रोफाइल हो गए, गरीब हो गए, वो लोगों को मदद कर रहा है, वो डोनेट करेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल मदद ले रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। देखो अब मैं हम देखो पीछे भागते हैं मनी, राइट? अभी तुमने बोला होगा कि सर ने मनी क्यों लाया है पॉइंट, हम भागते हैं मनी के पीछे। ये केमिकल रिएक्शन में भी ये जब बॉन्डिंग होता है, राइट, हमारे डेली लाइफ में भी देखो हमारी भी बॉन्डिंग है भाई, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर के साथ बॉन्डिंग, सिस्टर के साथ बॉन्डिंग, फादर मदर फ्रेंड्स, आगे आगे चल के और भी बॉन्डिंग बनेगी तुम्हारी, ठीक है? मुझे नहीं बोलना है, समझ जाओ, राइट? तो अलग अलग बॉन्डिंग के भी टाइप्स होते हैं, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी अलग अलग बॉन्डिंग। तो ये हम भागते हैं पीछे, हम रन करते हैं अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी, और ये केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन जो होता है, इनका सपना, इनका सपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इनका सपना है इलेक्ट्रॉन। तो बात ये है कि दिस मनी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन, दिस मनी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, मनी। तो मनी इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, मनी। देखो काफी कुछ चेंजेस नहीं है, सब कुछ वही है, केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री है भाई। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, यहाँ पे ये एक्सेप्ट करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लुइस एसिड होगा, ये लुइस बेस होगा, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, ये कटायन होगा तो ये अनायन होगा, कटायन मतलब पॉजिटिव, अनायन मतलब नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन लवर है तो ये न्यूक्लियस लवर है, ये यहां तक कि ये जब अगर मान लो इस पे पॉजिटिव, तो ये चाहेगा कि मैं किसी अमीर जाति के पास जाके मदद ले सकूं, तो हमेशा ये इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ व्हाट, रिच सेंटर, बोले तो उस जगह पे अटैक करेगा, जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल है उसमें जहां पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल, दिस पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ व्हाट, नेगेटिव चार्ज, और दिस नेगेटिव इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ व्हाट, पॉजिटिव। अब सोनू सूद किसी अमीर जादे को थोड़ी ना मदद करेगा भाई, जिसको रिक्वायरमेंट है, जो उससे हेल्प मांगेगा उसी को देगा ना। अब कोई अमीर जादा है अमीर, और उसको अगर वो अमीर जादा थोड़ी ना उससे हेल्प लेगा भाई, उसके ईगो को हर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, राइट? तो ये हुआ इलेक्ट्रोफाइल कहानी, और ये हुआ न्यूक्लियोफाइल। अब मैं इसमें एग्जाम्पल ऐड करूंगा, अब एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल के लिए ध्यान में रखना, यहां पे मैं ले लेता हूं एच पे प्लस चार्ज, सीएल पे प्लस चार्ज। पहला सर सीएल पे तो हमने माइनस देखा है, आपने ये यहाँ पे कहां से इस पे प्लस लेके आ गए, ला सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बी आर प्लस, फिर यहाँ पे सी एस थ्री प्लस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। अब बात ये है कि ये एटम के ऊपर एक प्लस चार्ज जनरेट हो गया, इस स्पीसी पे क्या हुआ, बोले तो ये एटम कैरीज व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, आर कॉल व्हाट, ये एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। मान लो यहाँ पे एच पे मैंने माइनस कर दिया, सीएल पे मैंने माइनस कर दिया, बी आर पे मैंने माइनस कर दिया, CS3 पे मैंने माइनस चार्ज जनरेट कर दिया, ये एग्जांपल हो गए न्यूक्लियोफाइल के, जिस पे प्लस चार्ज है उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन के मामले में डेफिशिएंट है, और जिसके पास माइनस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच है। बट एक बात याद रखना, जब भी कोई एटम के ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हो रहा है या नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, समझ लेना वो प्रॉब्लम में आ गया है। बहुत अच्छी बात नहीं है कि नेगेटिव चार्ज है वो बहुत इलेक्ट्रॉन के मामले में रिच है और वो बहुत हैप्पी है, जहां पे प्लस आया जहां पे नेगेटिव आया, समझ लेना वो प्रॉब्लम में आ गया है, वो अनस्टेबल हो रहा है, वो क्या हो रहा है, अनस्टेबल। जैसे कि मैं बता दूं, अगर कोई पुअर है, गरीब है, और गरीब है, राइट, अभी जैसे मैं बताया कि उसको डेली वर्क करना है, डेली उसको फिर कमा के लाना है, अगर एक दिन काम पे नहीं जाएगा तो उसके घर पे उस दिन फिर वो चूल्हा नहीं जलेगा, वो खा भी नहीं पाएगा, फैमिली को खिला भी नहीं पाएगा,
बहुत बुरा हालत हो जाएगा, उसको तकलीफ होगा, उसकी फैमिली को भी तकलीफ होगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, राइट? यस और नो? तो ऐसा है। और यहाँ पे देखो तो वो बहुत गरीब है जिसपे, मतलब वो बहुत डेफिशिएंट है। और जो मान लो अगर जो रिच पर्सन ना, वो भी याद रखना, अगर उसके पास ज्यादा पैसे भी होगा ना तो भी उसको नींद नहीं मिलता है अच्छी तरह, ये बात याद रख लेना, फैक्ट बता रहा हूँ। उसको टेंशन बहुत होता है, बहुत सारा टेंशन कि और भी पैसे आ जाए, अरे इतने सारे पैसे आ गए तो मैं क्या करूंगा, उसको डर भी लगने लगता है कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए, कोई मुझे कुछ कर ना दे। देखो बॉडी गार्ड लेके घूमते हैं अमीरजादे लोग काफी, वो भी डर में बैठे रहते हैं। सबसे सुखी वाली लाइफ जो जीते हैं वो होते हैं मिडिल क्लास वाले, अच्छी नींद भी आती है, ज्यादा टेंशन भी नहीं रहते हैं, उनका लाइफ है झिंगा लाला, याद रख लेना। ये जो प्लस है और ये नेगेटिव है समझ लेना, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पे माइनस है प्लस आ गया समझ लेना, ये हैप्पी नहीं है, प्रॉब्लम में आ गए, इतना बात याद रख लेना, ठीक है? और जो न्यूट्रल वाला एटम होगा वो एकदम से हैप्पी हैप्पी होगा, ठीक है? मान लो एच रखा, सी एल रखा विदाउट चार्ज, बी आर रखा, सी एस सी रखा विदाउट चार्ज, तो ये कंपाउंड क्या होंगे, ये बहुत हैप्पी रहेंगे क्योंकि इनके ऊपर अब कोई चार्ज नहीं है, एच है, सी एल है, बी आर है, हैप्पी वाली लाइफ जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं किसी का, फैक्ट है मैंने जो बोला, मानो में आए माना मानो मेरी बात, यस। तो यहाँ पे अब बोलोगे सर ये प्लस कैसे, ये एच में देखो, अब मैं सी एल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो अब यहाँ पे मैं ये हटा रहा हूँ, यहाँ से ये रिमूव कर रहा हूँ ये पॉइंट, ये माइनस वाला, ठीक है? अब यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, ये सी एल ले लेता हूँ, सी एल का मुझे एटॉमिक नंबर बता सकते हो बच्चा लोग, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ सी एल, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17. वेरी गुड, वेरी गुड। और ट्राई करोगे कि बच्चा प्लीज चैट बॉक्स में ही आंसर दोगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17, वेरी गुड। अब तुम्हारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा ओल्ड वाला, जो 10th तक तुमने देखा होगा, 2, 8, 7। अब तुम 11th में आ गए हो, राइट? अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट बदल जाएगा, वो अलग फॉर्मेट में जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5, ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ बच्चों ने किया होगा मेरे ख्याल से, हाँ कि ना? जो अभी मैंने बोला 1s22, 2s22, 2p6, 3s22, 3p5, किया है ना? बस कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, डोंट वरी, जाने दो। अब जिनको नहीं पता है, आप सबको ये पता है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 287, 7 इलेक्ट्रॉन, राइट? 7 इलेक्ट्रॉन, बराबर ना? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैं बात इसकी करूंगा, यहाँ पे 17 है, क्या है? 17। अब ये एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, 17। प्रोटॉन, प्रोटॉन भी होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना प्रोटॉन होता है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी 17। हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर सीएल का बोले तो 17 है, प्रोटॉन भी 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है, ये भाई न्यूट्रल फॉर्म है। सीएल पे क्या है? नो चार्ज, नो पॉजिटिव, नो नेगेटिव। चलो अब मुझे बता सकते हो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा टेबल कौन होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है पीरियोडिक टेबल में? जल्दी जल्दी, पीरियोडिक टेबल में कौन से कंपाउंड्स बोले तो कौन सा ग्रुप जो स्टेबल होता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, नो रिएक्शन, नॉन रिएक्टिव, ओह माय गॉड, क्यों हाइड्रोजन? हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन देता भी है, लेता भी है, हाइड्रोजन तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देके एच प्लस बन गया, प्रोटॉन, प्रोटॉन बोलते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रॉन लेके वो हाइड्राइड बन जाता है। ए नोबल गैस सुना है क्या? इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, जीरो ग्रुप, यस अच्छा, ग्रुप नंबर 18, ग्रुप नंबर 18 नोबल, जीरो इनर्ट गैसेस, भाई वो नोबल जो है ना 18 ग्रुप, वो स्टेबल होता है, उसका ऑक्टेट
कंप्लीट होता है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वो स्टेबल होता है, वो स्टेबल होता है, वो किसी के पास ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना तो लेता है, वो नॉन रिएक्टिव होता है। क्या होता है? नॉन रिएक्टिव। ये बात याद रखना, वो नॉन रिएक्टिव होता है। अब मान लो, अब हर एक का सपना यही होगा कि भाई नोबेल गैस के जैसा ही हम बने। चलो मैं थोड़े टाइम के लिए यहां से ये एग्जांपल हटा रहा हूं और यहां पे मैं HCNA+ लेके आ रहा हूं। अब बोलोगे सर आपने Na+ पहले क्यों नहीं रखा? चलो मैं Na+ ले लिया, पहले मैं Na लेता हूँ। Na, अब Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। अब मैं पूछूंगा नहीं। प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है? 11। और इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 11, बराबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन भी 11 और इलेक्ट्रॉन भी 11। अब मान लो ये अभी न्यूट्रल फॉर्म में, सोडियम भी क्लोरीन भी। अब मैं यहाँ पे सोडियम में यहाँ पे एक प्लस चार्ज जनरेट कर देता हूँ, प्लस चार्ज। अब पता है Na का एटॉमिक नंबर 11 तो होगा, प्रोटॉन भी 11 होगा, एक प्लस का मतलब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और वो बन जाएगा 10। कहने से 11, प्रोटॉन 11, एटॉमिक नंबर 11, बट इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम, दो प्लस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन कम। यहाँ पे Cl भी न्यूट्रल है, मैं इस पे Cl पे क्या कर रहा हूं, मैं माइनस चार्ज कर देता हूँ। Cl का एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन भी 17, बट इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया उस पे 18, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब देखो ये 10 हो गया और ये देखो 18 हो गया। अब मुझे बताओ एटॉमिक नंबर 10 किसका होता है, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 होता है, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 18 होता है? जल्दी, वेरी गुड आंचल, नियॉन और 18 आर्गन। अरे वाह क्या बात है। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 10 और आर्गन का एटॉमिक नंबर होगा 18। अब देखो, अब इनकी प्रॉपर्टीज, ये Na जो है ना सोडियम, ये जो Na+ है ना Na, इस Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब मैंने देखो, मैंने इलेक्ट्रोफाइल में एग्जांपल लिया था हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोफाइल में मैंने एग्जांपल लिया था Cl पे प्लस चार्ज, जिसको बोलते हैं क्लोरोनियम आयन, नियम, नियम मतलब पॉजिटिव, क्लोरोनियम, क्लोराइड मत बोल देना। Cl पे माइनस आएगा तो क्लोराइड बोलूंगा, Cl पे प्लस आया तो क्लोरोनियम आया, Br पे माइनस प्लस चार्ज आया तो ब्रोमोनियम आया, और कार्बन पे वो मिथाइल है ना, मिथाइल कार्बोकैटायन। खैर, तो यहाँ पे नियॉन मैंने सोडियम मेटल ने लिया था, वहां पे एग्जांपल मैंने इलेक्ट्रोफाइल में सोडियम अभी मैंने लिया, इलेक्ट्रॉन देके ये 10 बन जाता है 10, और 10 जो होता है एटॉमिक नंबर नियॉन, और नियॉन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2.8 होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज, सोडियम प्लस की प्रॉपर्टीज नियॉन के जैसा मिलने लगा, वो भी अपने को फील करने लगा, भाई मैं भी नियॉन जैसा हो गया। हर एक का सपना यही होता है कि मैं नोबल गैस जैसा बन जाऊं, मैं भी स्टेबल हो जाऊं, और ये Na एक इलेक्ट्रॉन देके वो भी 10 हो गया और 2.8, और उसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती जुलती बन गई नियॉन जैसा। और सेम स्टोरी यहाँ पे Cl भी, Cl तो देखो 17 था राइट, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो 18 बन गया आर्गन जैसा, 2.8.8। देखो मैंने Cl यहाँ पे अभी ये यहाँ पे रखा हूँ, बराबर ना, यहाँ पे Cl माइनस रखा हूँ, ये तो स्टेबल हो गया, ये तो रीच हो गया, ये तो मैं मान लूंगा, चलो Cl पे माइनस ये न्यूक्लियोफाइल में मैं लेके आ गया, ये रिच भी हो गया स्टेबल भी हो गया। बट इसको अगर वापस से इलेक्ट्रॉन दिया जाए, किसको? Na+ को। अब Na+ को मान लो, अगर कोई मान लो न्यूट्रल फॉर्म से ही वो स्टेबल हो गया, जैसे कि Na था तो वो उतना स्टेबल नहीं था,
बट अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या हो गया, स्टेबल हो गया, नियॉन जैसा बन गया। वो भी सोचने लगा भाई सोडियम कि मैं भी अब नियॉन जैसा ही प्रॉपर्टीज दिखा रहा हूं। अब उसको वापस से सामने से ऑफर आएगा, किसको, Na प्लस को, Na को, Na प्लस को वापस से ऑफर होगा। ऑफर ये आएगा कि तुम भाई वापस से एक इलेक्ट्रॉन ले लो, वो लेगा क्या? Na प्लस को अगर एक इलेक्ट्रॉन वापस से मिलने लगे, Na प्लस करने पे तो वो 10 हो गया, वापस Na प्लस को अगर एक इलेक्ट्रॉन वापस से ऑफर हो रहा है, बैक हो रहा है, तो वह Na प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा Na बनने के लिए। वेरी गुड परिधि, नहीं देगा वो, तो बोलेगा भाई मैं ऑलरेडी अब स्टेबल मोड पे आ गया तो मैं क्यों लूं, उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई वो देखो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके जब अगर वो लाइफ झिंगा लाला करने लगा, स्टेबल होने लगा, तो वो वापस उसको अगर मिलेगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो वो क्यों अपने आप को अनस्टेबल बनाना चाहेगा? पॉइंट समझ में आया बच्चा? पॉइंट समझ में आया सभी को? यस और नो मुझे पहले ये बताओ। तो Na प्लस Mg2 प्लस अगर बोलूं तो ये कभी भी मत समझना ये इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल है इलेक्ट्रोफाइल वर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल बहुत वीक इलेक्ट्रोफाइल है बहुत वर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल है ये बात हमेशा याद है। इसलिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल में Na प्लस Mg2 प्लस नहीं लिया, मतलब अल्कली और अल्कालाइन अर्थ मेटल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये एग्जांपल में इलेक्ट्रोफाइल में नहीं लूंगा। है इनको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, पर ये इलेक्ट्रॉन दे के ये स्टेबल हो जाते हैं, तो वापस से स्टेबल होने के बाद वापस से इलेक्ट्रॉन नहीं लेना पसंद करेंगे, बोलेंगे भाई जैसे है ना अभी हम बहुत हैप्पी है, अब हमको वापस से अनहैप्पी नहीं होना है, ऐसी कुछ स्टोरी बन जाएगी यहाँ पे। तो ये हुआ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल और ये हुआ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में एग्जांपल में तुम डाल सकते हो H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, Cl3 प्लस, और न्यूक्लियोफाइल में नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल में तुम डाल सकते हो H माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, Cl3 माइनस। ये सब एग्जांपल यूज कर सकते हो। अब इसका अगला ई राइट इलेक्ट्रोफाइल। बच्चा यहां तक कोई डाउट है तुम्हारे माइंड में पहले क्वेश्चन कर लो मेरे से, कोई डाउट है तुम्हारे माइंड में, कोई क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड या न्यूक्लियोफाइल से, फंडा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। देखो मैंने पूरे डेली लाइफ के एग्जांपल को इस केमिस्ट्री में को रिलेट कर दिया, भाई वही चीज है, सब कुछ वही है, सब मोह माया है, अपना सपना मनी मनी, यह बात याद रख लेना। और इन केमिकल के रिएक्शंस में भी जो बॉन्डिंग बनता है इनका भी बदले तो सपना क्या है, इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन, राइट। तो खैर अब मैं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में सेकंड एग्जांपल देने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल में मैंने तो पहले बता दिया इलेक्ट्रॉन लवर होता है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लवर होता है, इलेक्ट्रोफाइल बोले तो इसलिए लवर होता है क्योंकि वो डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियोफाइल बोले तो रिच ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोफाइल इज अ व्हाट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल इज अ व्हाट डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल कैरीज व्हाट पॉजिटिव चार्ज इट मींस व्हाट कटायन, न्यूक्लियोफाइल कैरीज व्हाट नेगेटिव चार्ज इट मींस व्हाट अनायन, राइट। So during the chemical reaction, what positive is attracted towards the negative charge and negative is attracted towards the what positive charge? Electrophile is a Lewis acid and nucleophile is what Lewis base. अब ये Lewis acid, Lewis base हमेशा याद रख लेना, हमेशा याद रख लेना, हमेशा याद रख लेना कि Lewis acid is a lone pair of what electron acceptor. भाई ये lone pair क्या होता है? Lone pair मतलब दो dot. लोन पेयर का मतलब बच्चा याद रखना दो डॉट, ये इलेक्ट्रॉन है भाई, इलेक्ट्रॉन है, ये दो डॉट को ही पेयर, भाई दो है ना इसको पेयर बोलेंगे, ये लोन पेयर LP, लोन पेयर ऑफ व्हाट इलेक्ट्रॉन LP, ये हमेशा लुईस जो एसिड होता है हमेशा एक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा, हमेशा दो इलेक्ट्रॉन लेगा, और लुईस बेस जो है ना लुईस बेस, ये लुईस बेस है, यह हमेशा एक इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, दो इलेक्ट्रॉन देगा, डोनर ऑफ व्हाट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल में मैंने एग्जांपल दिया था H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, Cs3 प्लस, यहां तक कि NO2 प्लस भी ले सकता हूं, NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन, और भी बहुत सारे एग्जांपल। और न्यूक्लियोफाइल के लिए एग्जांपल नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल
एच माइनस, सी एल माइनस, बी आर माइनस, सी एस सी माइनस, एनओ टू माइनस। क्लियर है? अब इलेक्ट्रोफाइल में अगला कहानी, अब अगला कहानी काफी इंटरेस्टिंग है इलेक्ट्रोफाइल में, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है तो थोड़ा हो सकता है उनको थोड़ा तकलीफ हो सकता है, बट अब क्या करूँ, मेरे को करना तो पड़ेगा थोड़ा आगे जाके, राइट। बट मैं वो कंसेप्ट को भी यूज करूंगा जो 10th में तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा है, डोंट वरी, समझेगा, कोई बात नहीं। अब कुछ इलेक्ट्रोफाइल ऐसे भी होंगे, कुछ गरीब ऐसे भी होते हैं जिसे देखने से तो पता चल जाता है कि वो गरीब है। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल में पता चल गया आपकी प्लस चार्ज मतलब गरीब है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फिर भी कुछ गरीब ऐसे होते हैं जो छुपाते हैं, अपने आप को दिखाना नहीं चाहते कि मैं गरीब हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैं ऐसे टाइप के एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम बोलेंगे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम बोलेंगे सॉरी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, राइट। इलेक्ट्रोफाइल ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। बात ऐसा है कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले लिया BF3, अब समझेगा AlCl3, बेरिलियम क्लोराइड BCl2, ये ऐसे कुछ मैंने एग्जांपल लिया BF3 AlCl3 बेरिलियम क्लोराइड SO3, और भी बहुत सारे एग्जांपल ऐड कर सकता हूँ BCl3, राइट, बहुत सारे एग्जांपल मैं ऐड कर सकता हूँ। अब देखो, अब ये वाले ऐसे कुछ पीसी हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब वो कैसे, वो मैं बताऊंगा। मैं एक एग्जांपल BF3 दूंगा, एक एग्जांपल AlCl3 का दूंगा और एक एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड का दूंगा। ये जो है ना, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना होते हुए भी ये एग्जांपल BF3 AlCl3 बेरिलियम क्लोराइड BCl2 SO3 BCl3, दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोफाइल। इनको बोलते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल बोले तो नो पॉजिटिव नो नेगेटिव। इनको बोलते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, मतलब इनका जो एटम है ना सेंटर वाला, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है। देखो यहाँ पे जब तुम केमिस्ट्री में देखोगे, हर एक बॉन्डिंग जो फॉर्म होती है, हर एक जो बॉन्डिंग फॉर्म होती है, ये बात याद रखना, वो ऑक्टेट होना बहुत जरूरी है। मतलब स्टेबिलिटी डिपेंड करता है ऑक्टेट के ऊपर और डबलेट के ऊपर, डबलेट और ऑक्टेट। अब डबलेट किसके लिए चलता है, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए। डबलेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो डबलेट और ऑक्टेट जो होता है वो स्टेबल होता है, डबलेट और ऑक्टेट जो होता है वो होता है स्टेबल, ध्यान में रखना, डबलेट 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन। कुछ कुछ पॉइंट्स नोट करते जाओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये कंपाउंड स्टेबल होता है, ये क्या होता है, स्टेबल, राइट। अब मान लो कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया या 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, क्वाड्रेट 6 इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट, तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो डबलेट और ऑक्टेट, और डबलेट खाली किसके लिए, खाली डबलेट हाइड्रोजन के लिए और हेलियम के लिए, ये भी लिख सकते हो, ये स्टेबल कंपाउंड। इनके लिए खाली 2 ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, डबलेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये लिख के लेते जाओ, अभी मैं दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे देखो BF3 था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था BF3 पे, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है। कुछ बच्चों को पता भी होगा या नहीं भी पता होगा तो डोंट वरी। ये बोरॉन के साथ अगर तुम देखोगे, यहाँ पे 3 फ्लोरीन ऐड है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 3। क्यों भाई, इसमें 3 ही फ्लोरीन क्यों ऐड है, चौथा क्यों नहीं, क्वेश्चन मेरा ऐसा है माइंड। बोरॉन के साथ फ्लोरीन 4 आना चाहिए। अब जैसे कार्बन के साथ देखो, हाइड्रोजन रखूं या फ्लोरीन रखूं या Cl रखूं तो 4 आता है, कार्बन की फैमिली में 4 आता है वैलेंस। बट बोरॉन की
बोरॉन के फैमिली में यहाँ पे सिर्फ तीन ही फ्लोरिन क्यों अटेस्ट हो रहा है, व्हाई नॉट फोर, चौथा क्यों नहीं आ रहा है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है बताता हूँ। चलो अब देखो, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करके देता हूँ मैं, ठीक है? ये बोरॉन है। अब तुम्हारे को 1s2 2s2 फॉर्म में नहीं जाऊंगा, 5 है मान लो इसका एटॉमिक नंबर, जो 10th में किया हो वो ऑर्डर में जाता हूँ, 2, 3 बराबर। 2 बोले तो इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इनर सेल में जो न्यूक्लियस से क्लोज है, और ये जो सेकंड सेल में देखोगे तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 1 नहीं 2 नहीं, कितने हैं? 3 हैं। तो बोरॉन की फैमिली में तुम देखोगे ये आउटर मोस्ट सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है बाहर। चलो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास मान लो मेरे पास सिर्फ 300 रुपीज है, ठीक है? और 300 रुपीज बोले तो 100 100 100 रुपीज के नोट है मेरे पास, ठीक है? 100 के ही होते हैं, अभी 200 के भी होते हैं, ठीक है ना? तो मेरे पास 3 नोट है 100 100 के, बस मेरे पास इतना ही है, याद रखना। अब इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो लोग सोचेंगे क्या सर कुछ भी। ओके, तो मेरे 3 फ्रेंड है, राइट, ए बी सी। ए आता है बोलता है संतोष मुझे 100 रुपीज की रिक्वायरमेंट है। तुम वापस से हंस रहे हो, मुझे पता है। बोलोगे क्या सर कोई 100 रुपीज क्यों मांगेगा, चाहिए तो मैं अमाउंट बढ़ा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। समझने के लिए इशारा काफी, एग्जाम्पल समझो, राइट, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, भावनाओं में मत डूबो। तो यहाँ पे ए बी और सी है, अब मेरे पास 300 रुपीज है। ए आएगा बोलेगा संतोष मुझे 100 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, मैं बोलूंगा ये ले। बी आएगा, बी भी बोलेगा संतोष मुझे 100 रुपीज की रिक्वायरमेंट है, मुझे चाहिए, ले भाई तू भी ले। सी आएगा सेम, ले भाई तू भी ले। अब मेरा फोर्थ वाला फ्रेंड आएगा डी, 3 तो आ गए, 300 रुपीज था, 100 100 करके ए बी सी में मैंने डिवाइड कर दिया। अब चौथा वाला जब फ्रेंड आएगा डी, वो भी बोलेगा संतोष क्या बात है आजकल तो बहुत पैसे बांट रहा है, हाँ बहुत पैसे बढ़ गए तेरे पास, हमको भी दे दो भाई 100 रुपीज, हमने क्या बुरा किया है, राइट? मैं बोलूंगा मेरे पास नहीं, क्यों? मेरे पास 300 रुपीज था, मैंने 3 लोगों को दे दिया। अब चौथा फ्रेंड आया, तो अब चौथा फ्रेंड आने के बाद मेरे पास है ही नहीं, तो मैं दूंगा कहाँ से? ऐसी स्टोरी इस बोरॉन की है, ऐसा ही कुछ स्टोरी इस बोरॉन का है, क्योंकि इसके बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 नहीं 2 नहीं 3 ही है भाई, 3 ही इलेक्ट्रॉन है इस बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल। तो अब बात यह है कि ये बोरॉन के बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, हेलो, ये 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे फ्लोरीन आएगा इसके साथ बॉन्डिंग के लिए, ये फ्लोरीन आएगा और ये आएगा, बट फ्लोरीन भी है उसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 7, अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये 2, 8 हो जाएगा, ऑक्टेट बन जाएगा, यस, ऐसा कुछ स्टोरी हो जाएगा। ओके, और बोरॉन को भी ऐसा है ना, मतलब है ना, अभी दिखाता हूँ मैं कैसे स्टेबल करेंगे उसको। तो ये ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे ऑक्टेट बनने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे 2, 7 है। अब फ्लोरीन पे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ, उसको मैं क्रॉस में दिखाऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ये इलेक्ट्रॉन है, ये डॉट और क्रॉस जो दिखा रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, राइट? देखो हर एक फ्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ, क्रॉस में देखो रेड वाला मैंने 7 इलेक्ट्रॉन, क्यों भाई? फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का 9 है, तो 2, 7 ही होगा, 2, 7 होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन पे मैंने रख दिया, 7 इलेक्ट्रॉन इस पे रख दिया, 7 इलेक्ट्रॉन इस पे रख दिया मैंने। अब देखो ये बी और एफ के बीच में अगर मैं यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड बनाऊँ, पता है ना इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड अगर अच्छी तरह से पता होगा, इक्वल शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? इक्वल शेयरिंग पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड।
मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन अपना देगा फ्लोरीन को, और फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इनके बीच में ये एक ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी बोरॉन और फ्लोरीन में एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे भी एक ऐसा बॉन्ड तैयार हो जाएगा, और ये बोरॉन और फ्लोरीन में भी एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे इस तरह से एक बॉन्ड तैयार हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे ये मैं हटा रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इनको मैं मिला देता हूं। अब ये सर्कल में तुम देखोगे फ्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए फ्लोरीन के पास, काउंट करो जल्दी से भाई। बोरॉन का डॉट भी काउंट करो, गया 8 हो गया। देखो फ्लोरीन ऑक्टेट फॉर्म कर गया है, ये स्टेबल हो गया, ये अपनी स्टेबिलिटी पूरा कर लिया एक इलेक्ट्रॉन लेके। ये दूसरा सर्कल, ये फ्लोरीन भी देखो ध्यान से, इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया स्टेबल। और ध्यान से देखो ये वाला फ्लोरीन भी अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन से लेके ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। 2 4 6 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, स्टेबल 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 हो गया। क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अब पारी है, देखो तीनों फ्लोरीन अपना ऑक्टेट फॉर्म कर रहे हैं। अब नंबर है बोरॉन का, अब बोरॉन के लिए देखते हैं। चलो ऐसा थोड़ा बना, थोड़ा क्लोज कर देना चाहिए था मुझे, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे बोरॉन ने ये सर्कल, इस ग्रीन सर्कल को देखो भाई, इक्वल शेयरिंग है ना भाई, एक बार इलेक्ट्रॉन तेरे उसके पास, एक बार इसके पास, इक्वल शेयरिंग पे है नहीं। अब बोरॉन देखो एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन तो लेके बैठा है, जब फ्लोरिन के साथ शेयरिंग करेगा बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन चार, 5 एंड 6, 1 2 3 एंड 4, 5 एंड 6, ओ ओ 6 हो रहा है भाई, 6 हो रहा है, सेक्सटेट। ये हुआ सेक्सटेट, ओके। और ये जो है अनस्टेबल है, ये जो है अनस्टेबल, क्योंकि ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। ये बोरॉन बोले तो फ्लोरीन अपना ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट कर रहा है, बट बोरॉन अपना ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके इनर साइड में देखोगे तो टोटल तीन अपना इलेक्ट्रॉन, तीन फ्लोरीन से लेके 6 ही हो रहा है, 8 नहीं हो रहा है। दो इलेक्ट्रॉन की अभी भी उसको जरूरत है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, जबकि इसके ऊपर चार्ज नहीं है। समझने वाली बात है। BF3 होने दो, चाहे BCl3 होने दो, चाहे Bi3 होने दो, ये एग्जाम्पल, आई लगने दो, चाहे Cl लगने दो, चाहे F लगने दो, ये बोरॉन जो है ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। इसलिए इस BF3 पे, BCl3 पे, Bi3 पे पॉजिटिव चार्ज ना होते हुए भी ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? क्योंकि अभी भी इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये अपना ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे कुछ गरीब ज्यादा मिलेंगे जिन पे प्लस चार्ज नहीं होगा, तो तुम्हारे को चेक करना पड़ेगा कि BF3, BCl3 ये अपना सेंट्रल एटम जो बोरॉन है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों भाई? वो गरीब है ना, वो पुअर है, वो डेफिशिएंट है। स्टूडेंट्स ये समझा सभी को? हाँ कि ना? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं इसके जगह पे अब दूसरा एग्जांपल यूज करने वाला हूँ, BF3 के जगह पे अब AlCl3, AlCl3, ओके गुड, वेरी गुड। जल्दी जल्दी रिप्लाई में यस यस नो डालना है तो डाल दो भाई, जो भी है रिपीट करना है तो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं है, डरो मत। समझो समझो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है ना? ओके हाँ, समझना बहुत जरूरी है बच्चा लोग, और समझ में आ रहा होगा मुझे पता है अच्छी तरह से, राइट। चलो चलो, अब मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ पिक्चर में, हीरो को बदल रहा हूं, ओके। इस बार पूरा कहानी वही सेम होगी, बस खाली मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाला हूं।
ओके, मैं इस चीज को ऐसे ही रहने देता हूँ। यहां पे देखो अब अगला कॉन्सेप्ट AlCl3, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहां पे AlCl3 है एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। यस, तो क्या लिखोगे? 2.8.3, 2.8.3। तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। यस भाई, बोरॉन, बोरॉन की फैमिली में ही तो है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कोई कहीं अलग नहीं है, बोरॉन की फैमिली में ही तो है। बोरॉन बाल बोले तो बाल गणेशा, एन टेम्पल बाल गणेशा इन टेम्पल TL। देखो बाल गणेशा इन टेम्पल, बाल पी बोले तो बोरॉन, AL बोले तो एल्यूमिनियम, GA बोले तो गैलियम, IN बोले तो इंडियम और TL बोले तो थैलियम। बाल गणेशा इन टेम्पल ग्रुप नंबर 13, ये 13 ग्रुप है भाई, 13 ग्रुप में बोरॉन आता है, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम पी ब्लॉक में। को लिख सकते हैं बैगन आलू गाजर इन व्हाट थैली। याद रख लो मैं निमोनिक्स बता रहा हूँ, तुम्हारे को हंसी भी आ रही होगी बट अच्छा है, ग्रुप वाइज तुम्हारे को ये निमोनिक्स से ग्रुप के एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। तो बाल गणेशा इन टेम्पल समझो, चाहे बैगन आलू गाजर इन व्हाट थैली, बात खत्म। तुम्हारे को देखो ग्रुप के एलिमेंट्स याद हो गए। अब यह बोरॉन का अगर एटॉमिक वैलेंसी 3 है तो एल्यूमिनियम का भी वैलेंसी 3 होगा बच्चा। बोरॉन का वैलेंसी 3 है तो ये एल्यूमिनियम का भी वैलेंसी क्या होगा? 3 है। देखो बोरॉन उसी ग्रुप में आ रहा है, बोरॉन बोले तो उसी ग्रुप में आ रहा है भाई, एल्यूमिनियम भी उसी ग्रुप में आ रहा है। जब बोरॉन का एटॉमिक नंबर 3 तो भाई एल्यूमिनियम का भी वैलेंस, सॉरी बोरॉन का जो वैलेंसी 3 तो एल्यूमिनियम का भी वैलेंसी क्या होगा? 3 होगा, 3। तो देखो यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम यहाँ पे 3 कर दिया, 2.8.3, और उसी तरह से Cl है तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, ये फ्लोरीन के नीचे ही आता है क्लोरीन, 2.8.7। तो Cl में भी आउटर मोस्ट शेल में देखोगे उसमें भी क्या होगा? 7 इलेक्ट्रॉन, 7 7। कहानी वही पुरानी, Cl अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। देखो ब्लू बॉक्स को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक सीएल, इसमें भी देखो एल्यूमिनियम के साथ सीएल 3 ही लगा, चौथा नहीं लग पाया। क्यों ऐसा? क्योंकि उस एल्यूमिनियम के पास 300 रुपीस था, 3 ही तो इलेक्ट्रॉन था इसलिए 3 सीएल। 13 ग्रुप है, देखो 13 का लास्ट नंबर देखो 3, 3 हमेशा याद रखना, बप्पा वाली फैमिली जो है ना, राइट, बैगन आलू वाला जो फैमिली है ना, उसकी वैलेंसी क्या है? 3 है। चाहे बोरॉन हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे गैलियम हो, चाहे इंडियम हो, कोई भी एलिमेंट ले लो इसमें से, उनकी वैलेंसी ज्यादा ज्यादा 3 होगी। तो सीएल अपना वैलेंसी बोले तो वहां पे ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। बट यहाँ पे तुम बोरॉन देखोगे, एल्यूमिनियम देखोगे, 1 2, ये ग्रीन वाले सर्कल को देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 6, अगेन सेक्सटेट, वापस से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट होने के लिए कम पड़ रहे हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी जरूरत है, इसलिए बिना चार्ज वाले एग्जाम्पल होते हुए भी ये है इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है बच्चा लोग। तो BF3AlCl3 क्लियर हुआ सभी को? यस, आगे चलूं मैं, तीसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, चले दो आगे, सेम कहानी, खाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का स्टडी होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, बस और कुछ नहीं, नॉलेज। तो BF3AlCl3, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? These are the example of electrophile. Electrophile, electrophile के example है बच्चा लोग। Done? जल्दी से चैट में yes करो या no करो भाई। समझा? समझा तो yes कर दो। आगे चलूँ मैं? Yes, क्या बात है? क्या बात है? Very good बच्चा लोग। Very good, चलो। अब एक example तो बनता है। Practice तुम करोगे। Notebook और pen book, pen तो लिए ही होगे तुम। हमेशा लेक्चर में जब भी बैठोगे नोटबुक और पेन लेके बैठोगे,
जो पॉइंट संतोष सर की अच्छा लगा उस चीज को नोट करके ले लो, ये सब कंसेप्ट जो मैं कुछ लिखता हूं तो उसको भी नोट करके ले लो, हो सकता है ये टेक्स्ट बुक में ना मिले इतने सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल, ठीक है? अब मैंने लिखा है तो अच्छे अच्छे ही बोलूंगा मैं, ठीक है? ओके, तो चलो अब मैं तुम्हारे को यहाँ पे एग्जाम्पल एक देने जा रहा हूँ और उसका तुम वहां पे यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे। अभी बताओगे मैं 3 मिनट रुकूंगा। बेरिलियम क्लोराइड, जल्दी से जैसे मैंने सर्कल किया है ना वैसा करोगे। मैं 3 मिनट के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जल्दी से मेरे ख्याल से हो गया होगा सभी। चलो बेरिलियम मैं बता रहा हूँ, बच्चा लोग ध्यान दो। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 2.2 करोगे। सीएल का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2.8.7 करोगे, राइट? अब यहाँ पे मैं बेरिलियम हटा रहा हूँ, ये बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे डाल दिया, 1 और 2, राइट? क्योंकि इसके आउटर मोशल में 2 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के, और इसके साथ सीएल 2 अटेस्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये लो। और यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ये सीएल ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ये सीएल भी ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, बट अगर तुम ध्यान से देखोगे ये बेरिलियम ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर रहा है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 और ये 4, 4 इलेक्ट्रॉन, क्वार्टेट बोल सकते, अनस्टेबल। मैंने बोला था डबलेट और ऑक्टेट जो होगा वो स्टेबल, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है भाई। बेरिलियम में अगर 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तभी जाके ये स्टेबल होगा, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट कर रहा है, ये भी बेरिलियम क्लोराइड। This is also example of what electrophile. BeCl2 लिख के अगर आया तो ये electrophile है, जबकि इस पर चार्ज नहीं है। बच्चा लोग क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से, हाँ कि ना? तो ये था incomplete octet electrophile, neutral electrophile, जिसमें एटम का सेंट्रल एटम का octet कंप्लीट नहीं होता है, राइट? और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब मैं आ रहा हूं नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल, मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल में, उसमें भी ऐसा ही कुछ होगा, थोड़ा अलग होगा, ठीक है? चलो ध्यान दो, अब यहाँ पे कुछ अलग होगा, कैसे? जैसे कि यहाँ पे इसके लिए मैं लिख सकता हूँ लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल, लोन ऐसा हेडिंग दे सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल, ऐसा लिख दो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग
न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल। इसमें ये भी ऐड कर सकते हो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, प्लीज लिख लो। ये न्यूक्लियोफाइल का पार्ट है, जैसे नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल लिखा था, अब उसी के नीचे यहाँ पे ऐड कर सकते हो लोन, एलपी मतलब लोन, LONE, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Lone pair of electron containing nucleophile, neutral nucleophile. Example दिखाऊंगा और भी picture clear होगा। ROH, ROR, NS3, देखो ये एग्जांपल लिख लो, H2O भी ले सकते हो, PS3 भी ले सकते हो, ये लोन पेयर कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल है। अब इसमें कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं दिखेगा, फिर भी ये ऐसे अमीर ज्यादे हैं, ये रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे पता चलेगा, बोलोगे सर कैसे, जबकि इस पर नेगेटिव भी नहीं है, राइट? जैसे वहां पे अभी मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोफाइल में, इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, तो भी उस पर प्लस चार्ज ना होते हुए भी हमने उसको कंसिडर किया कि वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब ऐसा यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ स्टोरी है, मुझे कोई बता सकता है, ऑक्सीजन की वैलेंसी दो होती है, उस ऑक्सीजन के ऊपर कुछ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, ये पता है कि नहीं पता है? ऑक्सीजन पे इनविजिबल लोन पेयर होता है, होता है? यस रिद्धि, वेरी गुड। कोई बता सकता है कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? चलो मैं ये वाटर के साथ खेलता हूँ पहले, ठीक है ना, ये वाटर के साथ, ओके ठीक है रिद्धि, ट्राई, ओके। ये देखो ये ऑक्सीजन है और ये H है और ये H है, ये वाटर है H2O। अब इसमें तुम बोलोगे सर ये भी इनकम्प्लीट है, भाई ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये कम्प्लीट ऑक्टेट कर रहा है, पता है तुम्हारे को? अगर ऑक्सीजन का तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2.6। अब देखो तुम्हारे को ये चीज और भी, जो इलेक्ट्रॉन्स का मैं बता रहा हूँ ना, ये केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में सीखोगे, राइट? तो ये ऑक्सीजन पे है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो पता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6। देखो मैंने यहाँ पे ब्लू में डॉट डॉट दिखाया, अगर दिख रहा होगा, विजिबल होगा, तो 6 डॉट डाला हूँ मैं इसमें, जो 6 डॉट डाला हूँ, तो ये वाला डॉट है ना, ये वाला, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, ये इस तरह, और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाता हूँ मैं, ओके okay. अब तुम देखोगे यहाँ पे एक्चुअल में, अगर जब जाओगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहां पे तुम देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
क्योंकि अभी हुआ नहीं है तो मतलब नहीं है, तो मैं ऑर्बिटल लेके आऊं वो सब दिखाऊं तो घबरा जाओगे। मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, बात खत्म, समझने से मतलब, बाद में वो भी चीज ऐड हो जाएगा तो और भी पिक्चर क्लियर होगा। अभी चल रहा है तो इसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, अब उसके लिए तो मेरे को रुक नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, बहुत आसान है। 6 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में होते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन सिंगल है और ये जो 2 डॉट है ना ऊपर और 2 डॉट जो नीचे है ना, ये पेयरिंग में है। काउंट करोगे ये ब्लू वाले को, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने डाल दिया इस ऑक्सीजन पे। ये दो पेयर, एक पेयर को ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है रिद्धि, जो तुमने बोला ना 3, ऐसा है तो 3 पेयर हो जाएगा बच्चा, तुमने जो बोला सही है, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिद्धि ने बोला था राइट, वो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पेयर बोले तो 3, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 पेयर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, ये था आंसर, राइट आंसर था। अब हाइड्रोजन आएगा तो इसमें मैंने क्या बताया कि 2 लोग है ना डबल बॉन्ड, दो लोग क्या होते हैं बॉन्डिंग में होते हैं, मतलब 2 लोग है ना नॉन बॉन्डिंग में होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होते हैं। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये ऑक्सीजन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो ये OH में यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए और ये OH में भी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 600 रुपीज, इसके पास 600 रुपीज है, बट इसके पास 2 नोट है ना 200 रुपीज के है, और 2 नोट इसके पास 100 100 के है, और इनके जो फ्रेंड आएंगे मांगने के लिए तो 100 100 की रिक्वायरमेंट रखेंगे। तो 2 नोट 100 100 का था, तो 100 एक हाइड्रोजन को दे दिया, 100 या हाइड्रोजन को दे दिया, और जो 200 रुपीज था वो किसी ने भी मांगने के लिए नहीं आया, कोई डिमांड करने के लिए नहीं आया, समझ में आया। तो ये 200 200, मतलब ये 200 का ये पेयर हो गया, ये 200 का पेयर हो गया, है इसके पास 600 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 पेयरिंग में है, 200 200 के नोट है और 1 200 100 के, और जो 100 100 के नोट है वही बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, इज एग्जांपल दे दिया तुम्हारे को। तो ये देखो H2O, हमेशा H2O लिखते हैं, तो OH के बीच में बॉन्ड, इस OH के बीच में भी बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और यह ऑक्सीजन पे हमेशा जब भी हम H2O लिखते हैं, H2O जब भी हम लिखते हैं, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है वहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझने की बात होती है, समझने की बात। तो अब मुझे बताओ बच्चा लोग, यहाँ पे ये वाला ऑक्सीजन या हाइड्रोजन अपना डबलेट कर रहा है, स्टेबल हो रहा है, या हाइड्रोजन भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन के साथ स्टेबल हो रहा है डबलेट करके। मैं बोला था ना डबलेट हाइड्रोजन और हीलियम की कहानी है, राइट। और यहाँ पे तुम अगर देखोगे ये वाला ऑक्सीजन, देखो ऑक्टेट कर रहा है, कैसे, 1 इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, 4 5 6 7 8, है ना, ऑक्टेट किया ना, स्टेबल है ना, इनकम्प्लीट नहीं है, ऑक्टेट कर रहा है। हाइड्रोजन भी स्टेबल है, ऑक्सीजन भी स्टेबल है, बस फर्क ये है कि इस पे कुछ छुपे हुए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वही पहचानना है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सीधा सीधा वाटर को याद कर लेना, H2O को भूल गए तो H2O से पता चल जाएगा 2 हाइड्रोजन, तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन हमेशा कैरी करता है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इनविजिबल होता है। देखो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है भाई, राइट। तो ये H2O बोले तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ना होते हुए भी ये न्यूक्लियोफाइल है, क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर ये छुपे हुए इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर में है। तो कुछ अमीर ज्यादा ऐसे होते हैं, दिखाते नहीं है कि हम रिच है, हम अमीर है, हम अमीर ज्यादा हैं, क्योंकि देखो हम गरीब भी 2 टाइप के होते हैं, अमीर भी 2 टाइप के होते हैं। एक गरीब दिखाता दिख जाता है, एक नहीं दिखाना चाहता है, छुपाना चाहता है। और अमीर में भी 2 टाइप के होते हैं, रिच पर्सन, एक भाई दिखाता है गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ दिखाता है भाई, शो शाइनिंग सब करता है वो ओके। और एक छुपाता है, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, क्यों नहीं है,
क्योंकि इनकम टैक्स का रेड ना पड़ सके। तो यहाँ पे वही स्टोरी है इनकम टैक्स वाला, ये छुपाया हुआ इसका है, ऊपर हमेशा गायब रहेगा, बट हमेशा तुम कंसिडर करोगे कि ऑक्सीजन पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक नहीं दो है। तो देखो यहाँ पे बात यह है कि ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन था, इस पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रिच है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी कंटेन कर रहा है, और ये ना अब यहाँ पे नाइट्रोजन बचा। चलो अब नाइट्रोजन की स्टोरी बताता हूँ। नाइट्रोजन इसी तरह से नाइट्रोजन की वैलेंसी अगर देखोगे सेम, एन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2.5 करोगे, राइट 2.5 करोगे। मैं यहां से रिमूव कर रहा हूँ ये चीज, ये लो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2.5, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, राइट। तो बात यह है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इस बार कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। हेलो मैं नाइट्रोजन ड्रॉ कर लिया, इसमें कंडीशन ऐसा है कि 3 इलेक्ट्रॉन बोले तो 300 रुपीज, और एक क्या होगा पेयरिंग में होगा। देखो ना अमोनिया NH3 होता है, मिथेन CH4 होता है, वाटर H2O होता है, हमेशा याद रखना। तो NH3 में देखो यहाँ पे मैंने 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने लगेंगे, 3 लगेंगे, 3, 1 दो, 3। क्यों लगेंगे 3, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन सिंगल होंगे और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब इसमें 300 रुपीज, एक 200 रुपीज होगा, और 3 नोट है ना 100-100 के होंगे, तो ये 3 फ्रेंड को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे भी स्टोरी ऐसा ही कुछ, हाइड्रोजन अपना डबलेट किया, यह हाइड्रोजन ने भी अपना डबलेट किया, यह हाइड्रोजन ने भी अपना डबलेट कंप्लीट किया, और देखोगे कि ये नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 हो गया। और तुम देखोगे NH3 होगा और N पे एक इनविजिबल बोले तो यहाँ पे एक LP रहेगा, ये भी अमीर ज्यादा ही है, ऑक्सीजन से थोड़ा कम है बट ये भी अमीर ज्यादा है। तो ये नाइट्रोजन पे हमेशा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो इनविजिबल है भाई, ये ऑक्टेट है सब, देखो ऑक्टेट P पे नाइट्रोजन के फैमिली में ही फॉस्फोरस भी आता है, तो इसके ऊपर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एग्जाम्पल बोले तो न्यूक्लियोफाइल के हैं, बिना चार्ज के हैं, बिना नेगेटिव चार्ज के हैं, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं है। ये हाइड्रोजन बोले तो ये अपना है ना, ये बॉन्डिंग में है, ये बॉन्डिंग में है, ये बॉन्डिंग में, ये नॉन बॉन्डिंग में, ऐसा बोल सकते हो। H2O में दो हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होते हैं और दो नॉन बॉन्डिंग में, मतलब नॉन बॉन्डिंग वाला मतलब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन में भी यहाँ पे बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग में, ये बॉन्डिंग में, और ये नाइट्रोजन नॉन बॉन्डिंग में, इसके पास भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक होगा, फॉस्फोरस में भी एक होगा, ऑक्सीजन में भी। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल मिलेंगे इसमें, ये सेंटर वाला एटम अपना इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऐसा नहीं रहेंगे, वो कम्प्लीट ऑक्टेट रहेंगे, बट फर्क एक ही है कि माइनस चार्ज नहीं होगा, बस फर्क एक ऐसा है कि वहां पे माइनस चार्ज नहीं होगा, तुम्हारे को पहचानना है। ऑक्सीजन दिखा, हाँ भाई न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन दिखा, हाँ भाई न्यूक्लियोफाइल है, समझ में आया, क्लियर है। ये था न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल का कहानी, जो बच्चे आज फर्स्ट डे बैठे होंगे उनको भी समझा होगा। यस बच्चा लोग, सिंपल था, मैंने कुछ अलग चीजें नहीं बताया, मैं देखो पूरी तरह से इसको कोरिलेट कर दिया ताकि तुम्हारे लिए कंसेप्ट आसान हो जाए। तो आगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म जब रिएक्शन करेंगे, जैसे IUPAC कॉमन नेम तो हो गया होगा, तो ये जो कन्वर्जन होता है रिएक्शन से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनता है, तो उसमें रिएजेंट का रोल होता है, और रिएजेंट 3 टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, और एक फ्री रेडिकल होता है, ठीक है ना। तो आज मैंने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ये सब चीजें मैंने एक्सप्लेन किया, तुम यहाँ पे चाहो तो ये रीड कर सकते हो, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल देख सकते हो, ओके। अब मेरा यहाँ तक तुम जा सकते हो, पढ़ सकते हो, बट एक जाते जाते एक कंसेप्ट और है। अगर किसी ने तुम्हारे को बोला या क्वेश्चन किया और पूछेगा ये H3O+ इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, आंसर दो मुझे, आंसर दो कि इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोनियम आयन है और ये प्लस चार्ज कैरी कर रहा है, ओके ओके गुड, वेरी गुड, इलेक्ट्रोफाइल, यस रिद्धि आयुष, गुड, वेरी गुड बच्चा लोग। बाकी लोग क्या सो रहे हैं, बाकी लोग भी आंसर करो भाई,
अंजलि इलेक्ट्रोड, ओके गुड, करो करो आंसर करो आंसर करो, ऐसा मत करो, चुप मना बैठो, इलेक्ट्रो कोमल आंचल, ओके गुड गुड गुड, निर्मिति, ओके निर्मिति, ओके माय गॉड। चलो यहाँ पे बहुत सारे नाम आ गए, प्रांजल प्राची ने भी इलेक्ट्रोफाइल बोला, सब इलेक्ट्रोफाइल के साथ जाना पसंद करेंगे। ओके देखो एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई वाला एनसीईआरटी, एनसीईआरटी राइट, ये वाला अगर सीबीएसई वाला बुक में देखोगे तो वहां पे लिखा होगा हाइड्रोनियम आयन इज अ वर्ड इलेक्ट्रोफाइल, बट इसमें कहीं ना कहीं इस वाले बुक में तो देखो H2O दिया है, H3O दिया है कि नहीं दिया है वो देख लेना तो ठीक है ना। ओके H2O दिया है बट H3O आई थिंक दिया है कि नहीं दिया है पता नहीं मुझे भी, ओके नहीं दिया है। ओके बोलो कि सर क्यों नहीं पता है आपको, हाँ ओके बात ये नया बुक है, पुराना बुक ओल्ड बुक अगर महाराष्ट्र बुक होगा तो उसमें भी H3O देखो दिया होगा, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल नाम बोल के दिया होगा, H3O इज नॉट इलेक्ट्रोफाइल। और एनसीईआरटी के बुक में तुम देखोगे H3O इलेक्ट्रोफाइल लिखा होगा, कहीं कहीं बुक में इलेक्ट्रोफाइल लिखा है, कहीं कहीं पे ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रोफाइल ऐसी बात नहीं है, बट इसके लिए भी एक कंडीशन होता है, बस जाते जाते दो तीन मिनट, ये H3O ऐसा अगर मैं बोलूं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, क्योंकि H3O का फॉर्मेशन जो है ना इस तरह से हुआ होगा, H2O में यहाँ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बराबर, अभी मैंने दिखाया ना दो, और ये H प्लस इसके साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे ये H प्लस इसके साथ जब जुड़ेगा तो ये अपना ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस H के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा उस हाइड्रोजन को, और इस तरह से यहाँ पे H3O प्लस H3O अपना ये ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया ना, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया, एक अपने पास रखा, इसलिए ऑक्सीजन में प्लस चार्ज, या हाइड्रोनियम आयन हो, अब यह हाइड्रोनियम आयन हो गया, अब अगर यही हाइड्रोनियम आयन को मैंने डिसोसिएट कर दिया, मतलब एक्वस फॉर्म वाटर में इसको अगर डिसोसिएट करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा H2O, और जब H sir, आया था तो इलेक्ट्रॉन you? लेके आया था ना ऑक्सीजन से, सर मैम लास्ट वन मिनट, मैम लास्ट वन मिनट, ओके ओके मैम लास्ट वन मिनट, मैम ओके सर ओके, हेलो यहाँ पे H3O में से H2O चला गया और ऑक्सीजन में मतलब H आया था ना अपना इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीजन ने उसको लिया था ना अपने पास, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या होगा वापस अपना चला जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑक्सीजन को और वापस से ऑक्सीजन रीच हो जाएगा, अब ये H प्लस हो गया, अब ये कंडीशन होता है अगर एक्वस फॉर्म होगा जब ये डिसोसिएट होगा ये H3O प्लस, तब तुम बोलोगे यहाँ पे H प्लस है और ये प्लस मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, अब तुम इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर है बच्चा, इलेक्ट्रोफाइल तब होगा जब ये एक्वस फॉर्म में डिसोसिएट फॉर्म में रहेगा, तब तुम इस H को बोल सकते हो ये प्लस इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है राइट, और H3O प्लस डायरेक्ट फॉर्म में ऐसा दिया रहेगा और बोलेगा इलेक्ट्रोफाइल है तो नहीं बोलोगे, ठीक है ना, कंडीशन अप्लाई, क्लियर है, समझ में आया, ये थोड़ा एंट्रेंस वाला टाइप हो गया बच्चा, तो ये H3O हाइड्रोनियम आयन इज व्हाट इलेक्ट्रोफाइल, यस यस ये इलेक्ट्रोफाइल है इफ इट इज व्हाट इन द एक्वस फॉर्म, डिसोसिएट होने के बाद H2O और ये H प्लस हो जाएगा, तो H प्लस को अभी भी क्या है इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए ये क्या हुआ इलेक्ट्रोफाइल, बट अगर ये डिसोसिएट एक्वस फॉर्म में नहीं है तो ये H3O इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल, ओके थैंक यू एवरीवन, बाय बाय स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन, एंजॉय और इसको जरा अच्छे से, बाय सर, बाय बाय, इसको अच्छे से ये पेज को रीड करना, 223 काफी क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, समझ में आया, जरूर पढ़ना, ओके बाय एवरीवन।